और हमारे इमरान साहब इस टोडो के हमारे भारतीय जनता पार्टी ये क्या टॉफी और दूध लेने जाते हैं आर्मी कैंप ऊपर याद चुआ विंकन तो सोचो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पीडीपी ये कांग्रेस राहुल गांधी वो कश्मीर अकाल थोड़ा सियासत गिंद लक्षवधि लू यह राहुल गांधी बयान ये फरोबला वन पाकिस्तान वो करो कथे मोबो सैन वन चाइना वो करो कथे सिर्फ पे दोखवरी सियासत कर मानो साथियों खुल दिल सोब तुम वन वजात सोबन तर अम पैरन कि तु त्रु बैंकस वोट जफर मनहाज उस कैंडिडेट शुपियन रोजान मेसिडोस एम एल सी ईमानदार तो लुकन हुन खार खा लुकन हुन बोलन वोल मैं खुदा फर्ज नजर गवा मेरे साथ वो एम एल सी था मैं उसको पर्सनली जानता बड़ा ईमानदार इंसान हसने मसूरी की तरह डकैत नहीं बाकी नेताओं की तरह डकैत नहीं अच्छ सुई कैंडिडेट साउथ कश्मीर जफर मनहार शुपियन रोजा वजाज सब तुन अंदर अंदर वीर सराब जी तुन अंदर अंदर त्रु सा बेटस वोल बो खुल वन बो वन खुल त्रु अलताफ सब वोल त्रु अलताफ बुखारी वोल त्रु जफर मनहाज वो बीजेपी यम कार्यकर्ता लाइव चलान बहुत जिम्मन बीजेपी के कार्यकर्ता गुजारिश कर वर्करन गुजारिश कर मेहरबानी कर पे भविष्य खुद जम्मू कश्मीर के भविष्य खुद त्रु अलताफ बुखारी सब वोट और इंशाल्लाह रहमान कि हमने पहले ही कहा है कि पीडीपी एनसी और कांग्रेस ने हमें 70 साल लूटा है हमारे कश्मीर को कश्मीर के आवाम को रुलाया है सितम जरी उन्होंने की हमारे साथ उन्होंने 40,000 नौजवानों को कब्र बोझ कराया और अलताफ बुखारी साहब एक ईमानदार नेता है बहुत उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पीडीपी से अलग होके कहा कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक आजादी दी 5 अगस्त 2019 के बाद और उस आजादी के बाद आज आप देखिए कहीं पे हड़ताल नहीं कर्फ्यू नहीं संगबाजी नहीं लोग काम कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अपना कारोबार करते हैं टूरिस्ट सेक्टर बहुत बढ़ चुका है और हर लिहाज से जम्मू कश्मीर के लोग जो है तरक्की कर रहे हैं और इसीलिए जो नेशनलिस्ट है जिनको लोगों के बीच में एक छवि है जिनको लोगों के बीच में एक रिकॉर्ड है ईमानदारी का मुखलिस का और इसीलिए हमने कहा कि अलताफ बुखारी साहब को अपना वोट देके उसको कामयाब करें जफर मनहाज साहब जो हमारे अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं साउथ कश्मीर से उनको वोट देके कामयाब करें हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से गुजारिश करते हैं कि हमने कैंडिडेट नहीं उठाया हमें इकदार हम इकदार के भूखे नहीं है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है तरक्की करे वहां के नौजवान जो है उनको रोजगार मिले हमें अपने इकदार के पीछे नहीं है इसलिए हमने कैंडिडेट नहीं किया अलबत्ता जो नेशनलिस्ट है जो अपने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक सपना रख रहा है कि मैंने इनकी खिदमत करनी है मैंने इनको तरक्की की ओर गामजन करना है यहाँ मिलिटेंसी को खत्म करना है यहाँ संगवानियों को खत्म करना है उस व्यक्ति के साथ हमको चलना चाहिए।